राहुल गांधी के बयान पे राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उन्होंने बयान दिया था उसको नारी शक्ति से जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। कैसे देखती है समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति को लेकर? आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। रोज़ 6 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, रोज़ हत्याएं हो रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप निकालेंगे, मैं आपसे कहना चाहूँगी कल आप छापे भी एनसीआरबी के आंकड़े कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ रहा है, लगभग 50% महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ गया है। मैम आपके साथ सही अपने आप ही दर्शाता है कि किस तरह मुद्दों से भुगतने का काम ये सरकार कर रही है मीडिया के माध्यम से। मैम अदिति आपके साथ में दिखाई पड़ रही है चुनाव प्रचार करते हुए, लगातार विदेश में पढ़ाई भी कर रही हैं। अब माना जाए कि नेताजी मुलायम सिंह यादव तीसरी पीढ़ी की राजनीति में शुरुआत है, समझती हूँ सभी को सभी तरह के एक्सपीरियंस लेने चाहिए लाइफ में, और अगर बच्चे छुट्टी के घर आए हुए हैं तो उनको देखना चाहिए कि किस तरह का चुनावी उत्सव जो है वो देखना चाहिए, तो इसलिए वो साथ में थे। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस तरह बाबा रामदेव जी अपने आज निकाल के देश और देश की जनता को अपने आर्ट्स के माध्यम से कुछ बातें कह रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि या क्या ये बातें सच्ची नहीं है। प्रोफेसर रामगोपाल का कहना है कि इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 40 सीट के लगभग हम जीतने जा रहे हैं, तो क्या 40 सीट में आप पहले से ही हार स्वीकार कर चाहते हैं कि 80 हराओ और नौकरी पाओ, 80 हराओ महिला सुरक्षा पाओ, 80 हराओ और खाद में बोरी बंद करो, तो मैं समझती हूँ कि 80 की 80 सीटों पे मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला कर रही है, जिसमें से इंडिया गठबंधन की 17 सीटें भी हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, कह रहे हैं कि सीट बंटवारे में धांधली का मामला है। पूर्व सांसद तेज प्रताप मैनपुरी के सांसद रहे हैं, उनकी अच्छी पकड़ है मैदान से, वो लगातार मैदान में नहीं दिख रहे हैं प्रचार के दौरान, क्या नाराजगी है घर में या कोई और बात? आप तो हमारे पार्टी के सारे नेता नजर आ रहे हैं और कोई नाराजगी नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वायरल हो गया था जी को भी वायरल हुआ था, तो इस तरह की खबरें खमत करने वाली मुझे लगता है। सपा से आप प्रत्याशी हैं, गृहिणी भी हैं, दोनों कैसे मैनेज करती हैं राजनीति में भी आते हैं? मैडम एक सवाल कांग्रेस में चल रहा है धर्मों को राजनीति में लाना, आप किस तरह से देखती हैं समाजवादी पार्टी का किस तरह का स्टैंड? अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य अगर आप लोगों को दे देंगे तो धर्म का मार्ग भी जान जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है वो भी जानकारी आपको। धार्मिक व्यक्ति का राजनीतिक कुर्सी में बैठ के राजनीति करना आप किस तरह से देखती हैं? समझती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या धार्मिक, क्या हमारे आदरणीय क्षेत्रीय नेताजी धार्मिक नहीं थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी धार्मिक संस्थान या किसी मठ के नहीं थे, सदस्य नहीं है ना ही, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि धार्मिक नहीं, कि आप लोग धार्मिक नहीं है, धार्मिक है धार्मिक होता है कि आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए।